योगिनी साधना एक दिव्य और अलौकिक और प्रबल ताकतवर और अपने साधक को पूर्ण रूप से विकसित और पूर्णता प्रदान कर देने वाली साधना मानी गई है। इस साधना के लिए साधक का चिंतन पूर्ण सात्विक होना जरूरी है। जब एक सामान्य स्त्री भी आपको देख करके आपके मनोभाव का पता आपकी दृष्टि से लगा देती है, तो फिर अपार शक्ति संपन्न योगिनी भला क्यों आपको मनोभाव को समझ नहीं पाएगी। शायद आपको ये मालूम नहीं है कि जैसा चिंतन हमारे मन में होता है, उसके अनुसार ही उस साधक के चारों ओर रहने वाला और भी वैसे ही हो जाता है। भले ही सामान्य मानव अपनी सामान्य दृष्टि से उस दिव्य अलौकिक शक्ति को देख नहीं पाता हो, पर जिसकी आकाश दृष्टि है, दिव्य दृष्टि जागृत हो जाती है, तो वह सूक्ष्म परिवर्तन को बड़ी ही सुगमता से देख सकता है। और इसके अलावा तामसिक भाव से युक्त होने पर भी साधक का औरा गहरे धूसर वर्ण का हो जाता है। ये ऐसा रंग है जिससे निकलने वाली किरणें दृश्य या अदृश्य रूप में मन को उच्चाटित कर देती है। योगिनी साक्षात शक्ति का ही एक पूर्ण अंश है, अतः उनसे आपके मन के सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परिवर्तन भी नहीं चुक पाते हैं। वो आपके हर मन की अभिलाषा को समझती है। अतः साधक को मन के विचारों को विकारों को दूर करके ही साधना के पथ पर आगे बढ़ना चाहिए और साधना के मन में किसी प्रकार का भ्रम विकार नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये बड़ी ही दिव्य और अलौकिक देवी है। और हमारे शास्त्र पौराणिक शास्त्रों में और प्राचीन काल से इस साधना को लोग करते आए हैं। इस साधना के द्वारा हम अपनी कल्पना योग को साकार योग में परिवर्तित कर सकते हैं और जिस रूप में अपने साधना का इष्ट का हम उसका ध्यान करेंगे, उसी प्रकार से हम एक संगठित रूप में भविष्य में अपनी साधना से प्रत्यक्षीकरण का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मंत्र मात्र किसी शब्द विशेष का समूह नहीं है, बल्कि जब सद्गुरु अपने स्वयं के प्राणों से ग्रसित करके अपने शिष्य को जब वह योगिनी का मंत्र प्रदान करता है, क्योंकि योगिनी अनेक प्रकार की होती है, तो जिस भी अभीष्ट योगिनी की साधना प्रथम बार दृष्टया अपने साधक को दी जाती है, तो मंत्र प्रदाता की शक्ति उसमें संपुटित होती है और इसके कारण साधना जल्दी दृष्टिगोचर होती है। जैसे जैसे साधक अपने मंत्र का जप करता जाता है, एकाग्रता को बढ़ाता जाता है, वैसे वैसे ही उसका जप प्रगाढ़ होने लग जाता है और अंत में पूरी तरह से उसके मन के विकार नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्य और अलौकिक शक्ति की अनुभूति प्राप्त करता है। और अंत में साधना के अंतिम दिनों में अवश्य ही जब उसका जप सार्थक होने लग जाता है, तदनुसार देवी का दर्शन का सौभाग्य उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाता है। इस साधना में आहार बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि आहार का चिंतन करना जरूरी है, क्योंकि जितना मधुर और सात्विक भोजन का साधक आहार लेगा तो वह उसके लिए बेहतर होगा और मानसिक रूप से भी उसे शांति रहेगी। इसके अतिरिक्त भूमि शयन करना वैसे अनिवार्य प्राचीन काल में होता है, अन्यथा हम किसी चटाई या दरी का उपयोग भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा मौन रहे साधना काल में इस बात का भी ध्यान रहे, ब्रह्मचर्य खंडित ना हो इस बात का भी ध्यान रहे। और विशेष रूप से अपने गुरु या इष्ट जिसकी भी आप उपासना करते हैं वह प्रातः काल करते रहें और रात्रि काल में योगिनी के मंत्रों का जप करें। देखिए, ये साधना बड़ी ही दिव्य और अलौकिक है और रात्रि काल में की जाने वाली साधना मानी जाती है और कुबेर इसके देवता माने जाते हैं, इसलिए कुबेर का आवाहन शुरुआत में करना आवश्यक है। इसका मंत्र इस प्रकार है, ओम यक्षराजन्मस्तुभ्यं शंकर प्रिय बांधव एकाम वशगाम नित्यम योगिनीं कुरुते नमः। इस प्रकार से इस मंत्र की उच्चारण करके 11-21 बार इस मंत्र का उच्चारण करने के बाद में अपने गुरु से मंत्र लेकर के साधना आरम्भ करनी चाहिए। यक्षिनियाँ योगिनियाँ अनेक प्रकार की होती है, दोनों की अलग अलग ताकतें हैं और योगिनियों की साधना वैसे तो किसी भी कालांतर में की जा सकती है और किसी भी शुक्रवार की रात्रि से या प्रतिपदा से साधना को शुरू किया जा सकता है। इसमें मधुमति योगिनी, अनुरागिनी योगिनी, मनोहारी योगिनी और इसके अलावा नटी योगिनी और सुरसुंदरी प्रमुख मानी जाती है।
कामेश्वर योगिनी साधना भी अनेक लोग करते हैं और महालक्ष्मी योगिनी साधना आदि धन प्राप्ति का मार्ग सुगम करने वाली साधना मानी गई है। साधक को गरीबी दूर होती है और उसके हर प्रकार के दुख दूर हो करके उसकी मनोकामना अवश्य ही देवी पूर्ण कर देती है और बिना मांगे ही देने वाली ही उसकी पहचान है। इसलिए इसी शक्ति को हम नमन करते हैं और अवश्य इसकी साधना हमें करनी चाहिए। जिस भी योगिनी की साधना करते हैं उसका यंत्र अपने सामने रखें, यंत्र सामग्री अपने गुरु से प्राप्त करें, यंत्र सामने रखें और पंचोपचार उसका पूजन करने के पश्चात शुद्ध देसी घी का दीपक हमें साधना काल में चलाना चाहिए। शांत वातावरण हो, शांत कक्ष हो और ऐसे कक्ष में बैठकर ही साधना करें और पूर्ण रूप से अपने सभी कार्यों से निवृत्त होकर के ही साधना में बैठना चाहिए। रात्रि काल में जब किया जाता है साधक का मुंह उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। माला भी अपने गुरु से ही प्राप्त करें, गुटिका को यंत्र के समकक्ष स्थापित करें, चावल या अष्टदल बना करके भी यंत्र को उसके ऊपर स्थापित किया जा सकता है। इसके अलावा हम चावल की ढेरी के ऊपर भी यंत्र स्थापित कर सकते हैं। मनोहर योगिनी का ध्यान इस प्रकार है। ओम कुरंग नेत्राम शरविंद वक्त्राम बिंबाधराम चंदन दंदलिप्ताम चीनाम शुकाम पीनकुचाम मनोज्ञाम श्याम्याम सदा कामदुगाम विचित्रीम। इस प्रकार से मनोहरी देवी का ध्यान किया जाता है। कामेश्वरी देवी का ध्यान इस प्रकार है। ओम कामेश्वरी शशंकास्याम खेलत खंजन लोचनाम सदा लोलगतिम कांताम कुसुमास्त्र शिली मुखीम। इस प्रकार से कामेश्वरी देवी का भी हम ध्यान करते हैं। और मधुमति अनुरागिणी का ध्यान इस प्रकार है। शुद्ध स्फटिक संकाक्षाम नाना अलंकार भूषिताम मंजीर हार केयूर रत्न कुंडल मंडिताम। ध्यान के द्वारा देवी के स्वरूप का भान लगाया जाता है, क्योंकि जब स्वरूप ही अगर साधक को मालूम नहीं होगा तो वह साधना को कैसे सफल कर पाएगा। तो ध्यान का माध्यम यानी कि देवी के स्वरूप का चिंतन करना होता है। इसके पश्चात ही मंत्र जप आरंभ करना चाहिए।